मेरा नाम अरविंद जैन है ये मेरी भाई की बेटी भतीजी लगती है अनामिका जैन है इसका ये एक्चुअली इसको जब जन्म हुआ था तो एक महीने बाद चेकअप कराया था सागर एमपी में तो उधर डॉक्टर ने बोला कि इसका हॉल में नस में छेद है उन्होंने बता दिया था फिर हम लोग कंफर्म पूरा कंफर्म करने के लिए नागपुर आए लोग बहुत परेशान थे एक्चुअली हर महीने में बीमार निमोनिया हो जाते थे इसको तो फिर इधर हम लोगों को सलाह दी किया कि इधर केयर हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए एक बार तब हम लोग आए हैं एक अनीता जैन करके मम्मी जी हैंगी उन्होंने बहुत सहयोग किया वो हम लोगों को इधर पे लेके आए थे केयर हॉस्पिटल तब इधर नीलम मैडम से मिले फिर इन्होंने सौरभ सर से मिलाया तो ईको वगैरह किया तब इधर भी लिख के दे दिए थे हाई लेवल पे फिर शाम को सर ने फोन करके हम लोगों को घर से बुलाया मिले सर से सर ने बोला ठीक है इसका ऑपरेशन अभी हो जाएगा अभी नहीं करेंगे तो बाद में शायद मुश्किल जाएगी हो सकता है हो पाए या नहीं हो पाए तब हम लोगों को कुछ आश्वासन मिला लगा अच्छा कि हाँ चलो सर ने आश्वासन दिया करना चाहिए तब हम लोगों ने सर से बोला ठीक है सर आप कर दीजिए क्योंकि एक्चुअली रेक्स तो लेना ही था हो सकता है बाद में ये नहीं कराएंगे अभी तो बचेगी या नहीं बचेगी करने लायक इसलिए हम लोगों ने ये रिक्स ले लिया और इधर पे बहुत अच्छे पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे से रखा इसको बहुत अच्छे से सर ने भी बहुत अच्छे से सभी ने बहुत प्यार से इसका इलाज किया और इसका ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ डॉक्टर तो इस तरह से बात करते थे कि एक्चुअली कोई है ही नहीं की तो 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 हम लोगों से इस प्रकार से बात करते थे कोई प्रॉब्लम आने की रिक्स वाली बात नहीं है लेकिन उनको बाद में ऑपरेशन के बाद उन्होंने स्वयं बोला कि इसका बहुत ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेशन के समय वापस आएगी अथवा नहीं आएगी हो सकता है बचे भी कि नहीं बचे बचेगी इस प्रकार सर ने पूरे 48 घंटे तक सौरभ सर ने इधर दिन रात करके पूरे स्टाफ ने इसका अच्छे से इलाज किया पूरा केयर किया इसका केयर हॉस्पिटल की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं वेरी गुड इधर की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है जैसे टाइम पे चेकअप होना मेडिसिन देना कोई चीज़ के लिए वेट नहीं कराना हम लोग एक्चुअली सर के पास जाते थे सर वो से तुरंत बाहर हम लोगों से मिलने आ जाते थे एक भी मिनट वेट नहीं कराया उन्होंने वरना कहीं कहीं पर तो जाते तो घंटों वेट करना पड़ता पहले फिर जाके वो इलाज हो पाता इधर तो पूरे स्टाफ ने तुरंत मेरे इसके इलाज के लिए कोई टाइमिंग नहीं लिया तुरंत इलाज किया इधर का नर्सेस डॉक्टर पूरा स्टाफ फैमिली की तरह इधर सेवा किया ऐसा नहीं समझा कि ये कोई और है इधर जब भी हम लोग इलाज के लिए आते सभी लोग इससे खिलाते हैं इसको अच्छे से पूरा अभी तो पूरी तरह से नॉर्मल है और केयर हॉस्पिटल वाले के स्टाफ को और डॉक्टर साहब को नीलम मैडम को सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ सभी के ने बहुत हेल्प किया हम लोगों की एक्चुअली इसको एक नया जीवन दान मिल गया